ये है हमारी फाइनल लुक टिक्के कबाबों की। अब इनके साथ टेंशन लगा के देखते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हुमा इन दुबई। तो आज है यूएई का इंडिपेंडेंस डे, नेशनल डे है, तो उस पे जो है वीकेंड चल रहा है, तीन छुट्टियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सैटरडे संडे एंड मंडे। तो सबसे पहले हम यूएई को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहेंगे। यूएई इज़ द बेस्ट कंट्री, बहुत पीसफुल कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्री, बहुत प्यारी है हर लिहाज से, और यहाँ पे हर एक लिए रूल्स बराबर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज कुछ इस तरीके से व्लॉग बनने जा रहा है कि आज मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू करने। आप पीछे बैकग्राउंड में मेरे देख रहे हैं कि म्यूजिक के साथ मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, इनके बगैर मेरी वीडियो इनकम्प्लीट। तो आज हम बारबेक्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको मैं साथ लेके चलूंगी, आपको दिखाऊंगी कि हमने बारबेक्यू के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं और कैसे बारबेक्यू होगा और यहाँ पर दुबई में कैसे लोग बारबेक्यू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर बारबेक्यू के लिए आउटसाइड अलाउड होता है और आपको इनडोर अलाउड नहीं होता फ्लैट्स एंड बिल्डिंग सिस्टम में, तो इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ दो फ्रेंड्स भी हैं, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है, तो मैं आपको भी इसका सारा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो आपने वीडियोस को मिस नहीं करना, पूरा देखना है, और सबसे पहले आपने एक काम करना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मैं इंस्टा का हैंडल भी नीचे डाउन में लिख दूंगी, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। हमने गाड़ी में कैसे सामान ठूस ठूस के भर दिए कि हमारे घर गाड़ी में खुद के बैठने की जगह नहीं है। बस वहाँ यहाँ पे मैंने वैसे दुबई अच्छी कंट्री है, वो मजे की है। शुमाइल 58B सनसेट लेफ्ट द फोर्क फॉलो साइंस। तो फिर रात को फायरवर्क नजर आएगा कि 2030 में ना दुबई के अंदर ये टेक्नोलॉजी आएगी, उड़ने वाली गाड़ियां, रोबोट्स, और ये ले आएंगे हम। हाँ, ये ले। हाँ वैसे रेनबो देखियो कितने साल, अच्छा लग रहा है ना यार। अब दूर है दुबई। Continue for 1 kilometer. फाइनली वी आर रीच्ड एट अल सफा पार्क। काफी ट्रैफिक के बाद पहुंच गए हैं। सामने मेट्रो का भी है स्टेशन और सेलिब्रेशन भी हो रही है। उड़ जाएगा भी, अच्छी बात है, थोड़ा सा सोना, अपने आप को थकाना है। हमारी छोटी सी पिकनिक हमने अरेंज की है, ये सब लेकर आए हैं। हमारी छोटी सी पिकनिक है जो हमने अरेंज की है, और यहाँ पे हस्बैंड साहब जो है ये देखें कोयले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। फैन इसमें से फायर निकलेगी, साइड पे हो जाओ ठीक से। और ये मेरे किड्स हैं, और ये देखें सब लोग कर रहे हैं। आज नेशनल डे है और सब अपने अपने यहाँ पे, कितना स्मोक है ये देखें। और फाइनली आग लग चुकी है। ये बैठ के कर रहे हैं आज। हाँ बेबी, ये हमने पार्टी स्टिक इस तरीके से कम बेबी, और ये, और ये मेरी फिश है। ये मैं प्ले हो रहा है हर जगह, बारबेक्यू, फायर फायर, और यहाँ सुफियान है, यहाँ फायर है, अहमदाबाद इज फायर। काफ़ी फैमिली आई हुई है, अच्छा पार्क है ये भी, और सामने बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रहा है, ये देखिए बुर्ज खलीफा। तो ये फाइनली अभी तक हमारे कोयले ही नहीं जल रहे थे, जल गए ना कोयले फाइनली। ये हमारी सीखे हैं, और ये आवाम है हमारी। एक हमारा बच्चा नाराज हुआ है, डनों के अभी तक हमने खाया नहीं। ये हमारी फिश है जो कि बिग रही, और इसके ऊपर मैंने रखी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ पे रख दिया मैंने चाय का पानी, और बच्चे वहाँ प्ले कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश हो गया। ये देखिए हर तरफ स्मोक ही स्मोक है।
ये देखिए यूई का नेशनल डे है, इसलिए जितने भी फ्लैग में कलर हैं वो सब लाइटिंग हुई है, हर जगह ही फैमिलीज एंड फैमिलीज हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो चले हम खाएंगे और खा के बताएंगे कैसा बना है। मसाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के पता चलेगा ये फिश है। ये है हमारी फाइनल लुक टिक्के कबाबों की और ये है फिश। अब मैं खाती हूँ तो फिर बताती हूँ आपको। फिश इसका ये लुक है, कितनी सॉफ्ट बनी है फिश, है ना, सॉफ्ट बनी है। हम लोग खा पी के ये हमारा हाल। हाँ जी, वो कोयले पे बनी हुई गरम गरम चाय। हाँ डिफरेंट है, बस चीनी मैंने बहुत लाइट डाली है। भाई बचपन से मैं खिला रही हूँ, बचपन से खिला रही हूँ। बच्चों के लिए ट्रेन भी छोटी सी रखी हुई है, जो कि वर्किंग में तो नहीं है लेकिन रखी हुई है, जहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। हमदान, इन विच योर सीट, आओ यू कम डाउन। बी केयरफुल, ऑल द पार्क इज गुड, फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा है, काफी सारे बच्चे आए हुए हैं। सब हम घर की तरफ जा रहे थे और बहुत मज़ा आया था। आज हमने अपनी फ़र्स्ट हॉलीडे को बहुत अच्छे से इंजॉय किया था, बारबेक्यू का भी बहुत मज़ा आया था और फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा किया था। हम लोग दिन की रोशनी में आए थे लेकिन अब रात हो चुकी है और हम लोग घर तकरीबन जो है 11:30 बजे तक के पहुँचे थे। बच्चों का तो आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, उनको बहुत ज़बरदस्ती बहुत मिन्नत करके उनको घर की तरफ लेकर गए थे कि चलो भैया बस घर की तरफ चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है बारबेक्यू में, और क्योंकि घर से भी आप उतना ही काम करके जाते हो और फिर पार्क में भी आपको आपके बारबेक्यू पॉइंट पे भी उतना ही काम करना पड़ता है। ये रात का व्यू था और दुबई का। इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है यूएई का नेशनल डे, हर तरफ लाइट थी, इनके फ्लैग का जो कलर्स हैं उसके हवाले से हर जगह पर लाइटिंग थी, बहुत मज़ा आया। और मेरा बारबेक्यू भी बहुत अच्छा बना था और मैंने बकायदा बारबेक्यू की वीडियो भी बनाई है, लाइक जो मैंने उसको मैरिनेट किया था मसाला, उसकी भी वीडियो मैंने शूट की हुई है, वो मैं शॉर्ट में ही अपलोड कर दूँगी क्योंकि वो उसमें फ़िट नहीं हो रही थी। तो जी यहाँ पर मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आप लोग मेरी जो ये लॉन्ग व्लॉग है वो बिल्कुल भी नहीं देख रहे, इसमें बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। शॉर्ट्स तो आप फिर भी व्यू कर लेते हैं लेकिन मेरी लॉन्ग वीडियोस को व्यू नहीं कर रहे, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें और मेरी लॉन्ग व्लॉग को भी देखा करें और उसमें कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। और ये फ्यूचर म्यूज़ियम है जो कि इतना खूबसूरत लग रहा था रात के टाइम, तो मैंने इसको लाजमी शूट किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जी चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी आपने ज़रूर व्यू करना है ताकि हम जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।